बड़वानी के रानीपुरा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम से बचने के लिए तेज रफ्तार से जा रहा रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर बिजली के खंभे से जा टकराया। घटनास्थल के पास ही छोटे बच्चे खेल रहे थे जो बाल बाल बच गए। घटना के बाद आक्रोशित रहवासी ने माइनिंग विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। क्या घटना हुई है, हंगामा क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे कुचाते कुचाते गाड़ी के पीछे, और ये भैया ने कुचाते कुचाते बच्चे, हम बचाए चार बच्चे हमारे, एक भी रोज रोज ऐसी कैसी गाड़ी ले जाते। क्या मांगे आपकी शासन से? क्या बोल रहे पुलिस वाले? क्या बोल रहे आप? पुलिस वाले कहीं नहीं बोल रहे, ले जाते ट्रैक्टर को थाने में। ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे हम, ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे। के रानीपुरा क्षेत्र का ये मामला है जहां खनिज विभाग की टीम से बचने के लिए तेज रफ्तार से जा रहा ट्रैक्टर रेत से जो भरा हुआ था बिजली के खंभे से टकराया और घटना स्थल के पास ही छोटे बच्चे खेल रहे थे जो बाल बाल बच गए। तेज रफ्तार से ट्रैक्टर जा रहा था जो जाकर सीधे खंभे से टकराया और घटना के बाद आक्रोशित रहवासी ने माइनिंग विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा भी किया है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। तो खनिज विभाग की टीम से बचने के लिए तेज रफ्तार से रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था जो बिजली के खंभे से जा टकराया। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता रूपेश दवाने जुड़ चुके हैं। रूपेश जी, बड़वानी के रानीपुरा का ये जो मामला बताया जा रहा है जहां खनिज विभाग की टीम से बचने के लिए तेज रफ्तार ट्रैक्टर जाके टकरा गया और बच्चे भी बाल बाल बच्चे, क्या कुछ ये पूरा मामला है? ऋतु, यहाँ बड़वानी में जो है रेत का अवैध कारोबार लंबे समय से चलता आ रहा है, इसको लेकर कलेक्टर ने जांच चौकी बनाई गई है। और जब ये 52 गजा नाके से रेत का अवैध ट्रैक्टर निकल रहा था तब वहां पर जो चौकी पर माइनिंग की टीम बैठी थी जिसमें माइनिंग इंस्पेक्टर भी थे, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास करा पर तेज रफ्तार ट्रक जो ये ट्रैक्टर था वो वहां से चालक लेकर निकल गया। और जब उसका पीछा टीम कर रही थी तो वो रहवासी इलाके से होकर जा रहा था बाजार की तरफ और इसी दौरान अनियंत्रित होकर वो एक पोल से टकरा गया जहाँ रहवासी इलाके में बच्चे खेल रहे थे। तो सारे लोग एकत्रित हो गए और इस हादसे के बाद में उन लोगों ने ऐसी प्रशासन से निवेदन आग्रह किया है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो शहरी इलाकों में न करते हुए बाहर ऐसे इलाकों में की जाए जहां पर रहवासी इलाका न हो। बिल्कुल, उसी को लेकर महिलाओं ने हंगामा कर दिया कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, गनीमत रही कि ट्रैक्टर जो है पोल से टकरा गया और बच्चों की कोई जानहानि है, कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ। बाद में पुलिस के समझाइश के बाद में फिर मामला शांत हुआ, हालांकि बहुत देर तक हंगामा जारी रहा। रितु जी, रूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़वानी के रानीपुरा क्षेत्र में ये घटना हुई जहां खनिज विभाग की टीम से बचने के लिए रेत से भरा हुआ ट्रक रहवासियों के इलाके से निकला और बच्चे वहीं पास में खेल रहे थे जो बाल बाल बच गए। ट्रैक्टर सीधे जाकर खंभे से टकरा गया।